भारतीय फौजियों को पकाया था वहाँ से। भारतीय फौजियों ने चाइना की ठगाई की थी, हमें गलत दिखाया गया था यहाँ पर। यहाँ गलत नहीं दिखाया गया था, चाइना ने बिल्कुल सही किया था। चाइना ने ठगाई की थी, इंडिया की फौजियों को वहाँ से भागना पड़ा था। पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया था कि उन्होंने कैसे इंडियन सिख सोल्जर्स ने चाइना की बैंड बजाई थी, हमें यहाँ पर गलत दिखाया गया था। इसलिए गलत कर रहा है कि जो चाइना कह रही है वो चाइना कहे। अच्छा, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा। जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता कि जो चाइना के बराबर में बात करे। चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। चाइना वाले, इंडिया वाले जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट बता दें। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे वो। ले रहे हैं फिलहाल, आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना में मुसलमान सेफ है। चाइना में मुसलमान सेफ है? क्या बात है, कैसे सेफ है, क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। लेकिन करते थे मुसलमान जो है वहाँ पे सेफ है, लेकिन पाबंदी जरूर है कि इस्लाम की, मतलब कि इस्लाम नहीं फैला सकते करते, लेकिन ये कि मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। डर खतरा सर, देखे 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा क्या सारा रूप सारा भारत पे चलता है? चाइना बिल्कुल सही है, चाइना बिल्कुल सही कहा। कह रही हूँ 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं, नऊज बिल्लाह, आप कह रहे सही है? वो इंडिया ने जो की है वो गैर मुसलमानों के नाते उन्होंने कोई मस्जिद शहीद। इंडिया को साइड पे रखे, अभी इंडिया पे बात नहीं कर रही, चाइना पे बात करें। उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया, उन पे बात करें। मस्जिद से नहीं कही उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जीबीएच ऑन रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों पहले चाइनीज आर्मी के कुछ सोल्जर हमारे एरिया में आ गए थे। भारतीय सैनिकों ने उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया था, लाठी डंडों के साथ में किस तरीके से उनकी कुटाई की थी पूरी दुनिया ने ये देखा। मगर दोस्तों आज बहुत दिनों बाद पाकिस्तानी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का रिएक्शन आपको सुनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिलों में भारत के लिए कितनी ज्यादा नफरत है, कितनी ज्यादा मोहब्बत है, आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो है निमरा अहमद YouTube चैनल का, काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। चाइना जो है, चाइना भारत से बहुत हैवी है। उसके पहले भी इंडिया ने एक दफा हरकत की थी, लेकिन चाइना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। कब मुंह तोड़ जवाब दिया था? तकरीबन आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, जब उसने मुंह तोड़ जवाब, इंडिया की फौज को पास से जो भागना पड़ा था बॉर्डर से। 1 साल पहले की बात है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तानियों को गलत इन्फॉर्मेशन है। चाइना की ठुकाई हुई थी, पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया था, ताइवान ने बड़ा मजाक भी बनाया था चाइना का कि कैसे ठुकाई हुई है दूसरे नंबर वाली इकोनॉमी की। चाइना ने भारतीय फौजियों को पकाया था वहाँ से। भारतीय फौजियों ने चाइना की ठुकाई की थी, हमें गलत दिखाया गया था यहाँ पर। यहाँ गलत नहीं दिखाया गया था, चाइना ने बिल्कुल सही किया था। चाइना ने ठगाई की थी, इंडिया की फौजों को वहाँ से भागना पड़ा था वहाँ। पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया था कि उन्होंने कैसे इंडियन सिख सोल्जर्स ने चाइना की बैंड बजाई थी, हमें यहाँ पर गलत दिखाया गया था। चाइना इंडिया जीत गया था, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। नहीं नहीं, इंडिया को गलत फरमाइश है कि इंडिया वहाँ पे, इंडिया को शदीद किस्म की शिकस्त हुई थी जो है, चाइना ने वहाँ पे शदीद किसी बीमारी पी थी, जिसको इंडिया को फौजी थे वापस सारे सामान छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। पाकिस्तानियों की नॉलेज को सल्यूट करते हो, हमारा मीडिया इसका सारा जिम्मेदार है। मुझे ये बताइएगा, अगर चाइना भी परेशान क्यों बैठा हुआ, इनकी वजह से क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है फिर? अगर चाइना इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाइना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कि चाइना जो है वो उसकी मतलब के उसके मतलब तिजारत जो है वो उसके उसी का इलाका है वो, जिसके ऊपर उन्होंने नजायज कब्जा किया है इसने। अगर ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये चाइना का इलाका है और भारत ने इलीगली कब्जा किया है, तो यूनाइटेड नेशंस फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये प्रूफ नहीं है कि ये चाइना का इलाका है? अरुणाचल प्रदेश में भारत ने बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की तकमील कर दी है। ये जो इंडिया जब उसके मतलब के ये जो उसकी ताइवान की मदद कर रहा था, रूस की मदद कर रहा था, तो उसने उस कहा कि ये उस रूस की को मदद कर रहा है, उसने किया था मसला किया था। समझी नहीं, चाइना जो है, चाइना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जब उसने चाइना के साथ हरकत की थी वहाँ पे कब्जा करने के लिए। उसका कोई इलाका था वहाँ पे, उसने फौजी भेजे थे ताइवान में नहीं चाइना में। चाइना में जब फौजी भेजे थे वहाँ से, तो उसने जब चाइना समझा
कि ये हमारे लिए जो बड़े मुश्किल हो रहा है काम हमारे ऊपर कब्जा करें, तो चाइना ने उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। ये हम लोग पता नहीं चाइना को हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, चाइना को बहुत ऊपर लेकर गए। हालांकि चाइना इतनी भी बड़ी कोई चीज नहीं है, चाइना में भी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं। अभी मुझे बताया बहुत से सेक्टर्स में भारत ने चाइना को मात दे दी है, माँ दी, लेकर आने वाले वक्त में जो सुपर पावर जो है अमेरिका जो था वो खत्म हो गया, आने वाले वक्त में जो सुपर पावर वो चाइना ही है। चाइना को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं हम, क्या मसला है? चाइना को इसलिए सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का हमसाय मुल्क है और पाकिस्तान के साथ वो बहुत हमसाय मुल्क हमारा बांग्लादेश भी है, ऐसे तो हमसाय मुल्क हमारा अफगानिस्तान भी है, ऐसे तो हमसाय मुल्क हमारा सबसे पहले भारत बनता है। अब बताएं भारत बनता है, लेकिन भारत ने ये देखे ना, भारत ने कश्मीर में क्या जुल्म किया हुआ है। हमसाय मुल्क है लेकिन उसे मुसलमानों के साथ क्या जुल्म किया, औरतों के साथ क्या किया है, इसके अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश ठीक है हमसाय मुल्क है लेकिन उसके साथ हमारे मुद्दे खास तलकदरी पड़े, और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान साथ साथ हमसाय मुल्क है उसके बहुत अच्छे तलक जा रहे हैं, लेकिन चाइना जो है जा रहे हैं उनके रेफ्यूजीज को भगा के लात मार के बाहर निकाल रहे हैं भगा रहे हैं, लेकिन चाइना जो है कि गैर मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तान का गैर मुस्लिम होने के नाते, और ये इसलिए कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है और सी पैक का काम ही कर रहा है। अच्छा चले पहले आप बोल, और सी पैक के बारे में भी बात कर, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा दूध की नहरें बहेंगी नहीं, वो तो दूध की प्रोजेक्ट है, जब कोई सीनियर हमारे पास कोई आएगा दर के, कोई वज़ीर आज़म या सारा कोई चीफ कोई वज़ीर को जाएगा, एक प्रोजेक्ट बता दे जो फ्री में उन्होंने यहाँ पर किया अपने मफाद के बगैर, ये बता दे कर्जा दिए बगैर एक प्रोजेक्ट बता दे, दोस्त है ना दोस्त तो इस्लाह करता है ना दोस्त की, एक बता दे। जो है ना बेसिकली हमारा दोस्त मुल्क है, जबकि जो इंडिया है ना वो सरासर गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? इसलिए गलत कर रहा है कि जो चाइना कह रही है वो चाइना कहे, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा, जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता है कि जो चाइना के बराबर में बात करे। चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं, अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने, चाइना वाले इंडिया वाले जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना, साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं फिलहाल, आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं, वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं, वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह चाइना वाला उनसे लेके ही रहेंगे, लेकर रहेंगे क्यों? क्योंकि चाइना वालों का अपना जो हक है ना वो लेना जानते हैं, तो इंडिया वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह इंडिया वाले जो है ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ये सिर्फ मुज़म्मत करेंगे और देखेंगे जहाँ तक इनका बस चलेगा। अच्छा। इसके बाद जो है ना वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे, जब उनको पता चलेगा तो चाइना के बराबर इंडिया कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज से एक तकरीबन एक साल पहले आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी, तब तो चाइनीज सोल्जर्स कुछ नहीं कर पाए, तब तो भाग गए थे चाइनीज सोल्जर्स वहाँ से। नहीं वो भाग नहीं गए थे, वो एक वीडियो बनी थी मैंने भी देखी थी, कुछ धक्के दे रहे थे और मोर्चा गिरा रहे थे, वही बात करी आप। वो वहाँ पर लड़ाई हुई थी इंडियन सिख सोल्जर्स ने बड़े जबरदस्त तरीके से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, ताइवान के दुनिया भर के मीडिया ने ये पूरे के पूरी वीडियो चलाई थी। ठीक है जी, इंडिया की जो है ना वो मीडिया तक ही है, इंडिया की जो मीडिया नहीं, मैं ताइवान के मीडिया की बात कर रही हूँ, ताइवान की मीडिया जो इंडिया की मीडिया ताइवान के साथ भी जो मिली हुई होती है कि चाइना उनको हम बताएंगे। अमेरिका ने भी दिखाया था, अमेरिका साथ भी इंडिया मिला। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जहाँ दिखाई गई है वो सारे भारत के सिपाही, आप ये कह दें देखो भारत के सिपाही हो या ना हो इंडिया सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की, हर बंदा चाहता है कि इंडिया, हाँ तो यही कोशिश करता है कि मैं इंडिया का थोड़ा बहुत है ना, हर बंदा आजकल साइड ही लेता है ना। ऐसे तो चाइना दूसरे नंबर की मईशत है, उसकी साइड कोई क्यों नहीं लेता, क्योंकि दुनिया को नजर आता है कि वो गलत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों को नजर नहीं आता, हमें नजर आता है काली पट्टी बांधी हुई जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ चाइना। चाइना जो है ना चाइना अच्छा कर रहे हैं, और ये जो इंडिया है ना उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और ये कहते हैं कि जो है ना चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए, ये सच्चाई अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना, उन्होंने हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े, इंडिया क्यों आगे बढ़े? हाँ, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है, चाइना नहीं है, चाइना नहीं है, नॉन मुस्लिम है चाइना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंडिया भी नॉन मुस्लिम है, इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। कैसे कैसे ये कि इंडिया 1947 से लेकर उससे पहले से लेकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और हम क्या लड़ना है, यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना लड़ना है, जंग जो भी जंग हो, गज़वा हिंद करनी है, गज़वा हिंद नहीं, हम जो है ना हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑर्डर दे, अगर कर सकते हाँ जी, अब पहले अपने मुल्क के हिस्से तो बचा लें, गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो पहले फतह कर लें, गज़वा रोटी तो कर लें यहाँ पर। ये हमारा जाती मामला है पाकिस्तान का, ठीक है, ये हम आपस में लड़ते हैं मरियम ये वो आगे पीछे जो अंदर की पार्टियाँ, जब हिंदुस्तान के लिए और दूसरे मुल्क के लिए हम एक हैं मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तानी मुसलमान एक है जी बिल्कुल, चाइना के अंदर मस्जिदें ढाई हैं उन्होंने, मस्जिद नाउज़ुबिल्ला मस्जिद शहीद किया उन्होंने, मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहे पाकिस्तान के उनके खिलाफ? नहीं वो इस तरह है कि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना,
सबूत मैं आपको दे दूं अगर अभी और इसी वक्त खड़े खड़े। देखिए जी सबूत आपके पास नहीं, वो पुरानी अगर कोई इमारत भी गिरा रहता है। वीडियो नहीं है भाई, ये देखिए आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की खबर है। मैंने इस पर आकर प्रोग्राम भी पब्लिक में किया था, उनकी गवर्नमेंट ने बोला था इस मस्जिद को गिरा दो जी, और चाइनीज सोल्जर्स ने हथौड़ों से तोड़ी थी वो मस्जिद। नाउज़ुबिल्ला। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग हैं चाइना की कितनी तारीफ कर रहे हैं और भारत को कितना नेगेटिव ठहरा रहे हैं कि भारत तो टिक ही नहीं सकता चाइना के आगे, चाइना तो बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, और चाइनीज आर्मी भारत के सैनिकों में लाठी चार्ज करेगी। जो वीडियो दिखाया गया है वो गलत है, स्क्रिप्ट है सारा। मगर दोस्तों देखने वाली बात ये है कि ये कितने ज्यादा अंधभक्त हो गए हैं चाइना के सो कॉल्ड फ्रेंड इनका चाइना, जो मुसलमान है चाइना के अंदर उनकी नसबंदी करा रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को नजर नहीं आएगा क्योंकि चाइना इन्वेस्ट के नाम पर पाकिस्तानियों को पैसा दे रहा है, पाकिस्तान की जो सरकार है उसको पैसा दे रहा है। मगर इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि चाइना एक ड्रैगन है, जो धोखेबाजी उसकी फितरत में है। जैसे वो श्रीलंका में गया, श्रीलंका को सपोर्ट कर गया, बांग्लादेश में गया तो बांग्लादेश को भी उसने सपोर्ट करने की कोशिश की, मगर वहां पर बांग्लादेशियों ने भारत का साथ दिया, भारत की जो सरकार है उससे हेल्प मांगी तो चाइना का सफाया कर दिया। मगर पाकिस्तान का तो कुछ दिनों का ही खेल है, चाइना धीरे धीरे पाकिस्तानियों को जकड़ लेगा और पाकिस्तानियों को गुलाम रहना पड़ेगा चाइना के अंदर। ये दोस्तों आप लिख के ले लो, क्योंकि चाइना की एक सोच है ना, उसमें धीरे धीरे वो जकड़ेगा। ड्रैगन उसे यूं ही नहीं कहते हैं, वो उनकी सांसें रोक देगा चाइना। अभी इसको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पाकिस्तान को बहुत अच्छा लग रहा है कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ दिनों बाद में पता चल जाएगा इन्हें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।